हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 32 फोर क्लास सेवेंथ गणित विषय की। ये वर्कशीट है शिक्षा निदेशालय की ओर से, जो आपके लिए 2 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो आज की वर्कशीट का टॉपिक है त्रिभुज के गुण, ठीक है, उसकी हम पुनरावृत्ति करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि आप बच्चों को समय से नोटिफिकेशन मिल जाए। त्रिभुज के एक शीर्ष को उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं, ठीक है। तो याद करेंगे, त्रिभुज का एक शीर्ष है और उसके सम्मुख जो है, ठीक है, त्रिभुज का शीर्ष हो गया, उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड, ये इसका मध्य बिंदु है, तो इसको मिलाने वाले इस रेखाखंड को क्या कहेंगे, इसको हम माध्यिका कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, माध्यिका। तो ये आप लिख लेंगे बेटा साथ साथ, इसको हम क्या कहेंगे, माध्यिका कहेंगे। उसके बाद देखिए, त्रिभुज के एक शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर खींचे गए लंब को त्रिभुज का क्या कहते हैं। तो अगर ये तो माध्यिका हो गई, अगर इसका बिल्कुल एकदम सीधा लंब खींचेंगे 90 डिग्री पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम त्रिभुज का शीर्ष लंब कहेंगे, क्या कहेंगे, शीर्ष लंब, ठीक है, उसको हम त्रिभुज का शीर्ष लंब कहेंगे। थर्ड देखिए, त्रिभुज की कोई दो भुजाओं की माप का योग तीसरी भुजा के माप से क्या होता है। तो कोई भी दो भुजाओं का माप का योग तीसरी भुजा के माप से हमेशा अधिक होता है। तो थर्ड में आंसर लिख लेंगे अधिक, ठीक है, थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, अधिक। नंबर चार, त्रिभुज की कोई दो भुजाओं की मापों का अंतर तीसरी भुजा की माप से, तो दो भुजाओं की मापों का अंतर तीसरी भुजा की माप से क्या होता है, कम होता है। त्रिभुज की कोई दो भुजाओं का मापों का अंतर जो है वो तीसरी भुजा के माप से कम होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, पाइथागोरस जो गुण है वो केवल समकोण त्रिभुज के लिए होता है, किसके लिए होता है, समकोण त्रिभुज के लिए। तो पाइथागोरस जो गुण होता है वो समकोण त्रिभुज के लिए ही होता है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट में माध्यिका, दूसरे में शीर्षलंब, तीसरे में अधिक, फोर्थ में कम और फिफ्थ में समकोण। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट देखिए, कागज की 21 पट्टियां निम्न दिए गए निर्देशों के अनुसार काटिए। तो 21 पट्टियां आपको काटनी है, दो पट्टियां 6 सेंटीमीटर की, चार पट्टियां आपको 7 सेंटीमीटर की काटनी है, फिर 6 पट्टियां आपको 8 सेंटीमीटर की और दो पट्टियां 9 सेंटीमीटर की, दो पट्टियां 10 सेंटीमीटर की, एक पट्टी 1 सेंटीमीटर की, 11 सेंटीमीटर की, ठीक है बेटा, एक पट्टी जो है वो 11 सेंटीमीटर की काटनी है, दो पट्टियां आपको 15 सेंटीमीटर की काटनी है और फिर दो पट्टियां आपको 17 सेंटीमीटर की आपको काट लेनी है। तो ये सारी पट्टियां आपको जो है काट लेनी है। अब सारणी में दिए गए अनुसार तीन तीन पट्टियों से आपको त्रिभुज बनाना है और सारणी को पूरा करना है। सो आपको यहाँ पर ये टेबल दी गई है, इसमें आपको त्रिभुज का माप दिया गया है कि कौन सी पट्टी आपको कितने सेंटीमीटर की लेके त्रिभुज बनानी है, और आपको देखना है कि क्या वो त्रिभुज बन भी सकती है या नहीं, और यदि वो त्रिभुज बनती है तो त्रिभुज का प्रकार जो है वो आपको लिखना है कि कौन सी वो त्रिभुज बनती है, ठीक है। सो यहां से हम करेंगे, तो त्रिभुज का माप हमें दिया गया है 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो आपको कैसे देखना है कि इसमें त्रिभुज बन सकता है नहीं, तो आप कोई भी जो है दो त्रिभुज का जो माप है, दो भुजाओं का जो माप है वो तीसरी से अधिक होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम फर्स्ट में देखते हैं, 7 + 9 ये कितना हो गया, 16। इसी तरह 9 + 8 कितना हो गया, 9 + 8 हो गया 17, ठीक है। जो 16 है वो भी हमारा 8 से ज़्यादा है, 17 भी हमारा जो है 7 से ज़्यादा है। इसी तरह तीसरा अगर देखें, 8 + 7 तो कितना हो गया, 15, वो भी हमारा तीसरी भुजा से ज़्यादा है। तो ये भुजा, ये त्रिभुज जो है बन सकता है, और त्रिभुज बनेगा तो इसमें लिख देंगे हम हाँ, और यदि त्रिभुज बन रहा है तो इसका प्रकार भी लिखना है। तो ये तीनों जो है क्या हो जाएगी, तीनों की भुजाएं अलग अलग हैं, तो ये क्या होगी, विषमबाहु त्रिभुज बनेगी। नेक्स्ट देखिए, 6, 10 और 8, तो बेटा इसी तरह से आप जोड़ सकते हो, 16, 6 और 10 16 हो जाएगा, 10 और 8 18 हो जाएगा, 8 और 6 14 हो जाएगा, तो ये भी बन सकती है, तो ये भी बन जाएगी। और इसमें जब ये त्रिभुज बनेगी तो इसमें देखिए, ये कुछ इस तरह से जब आप इसको बनाएंगे ना, तो ये ऐसे बनेगी, ये 10 सेंटीमीटर होगा, ये आप 8 लेंगे, ये आप 6 लेते हैं, तो ये एक समकोण त्रिभुज बनेगी, ठीक है। ऐसे क्या बनेगी, समकोण त्रिभुज, तो यहाँ पे आप लिख देंगे समकोण। तीसरा देखिए, 7, 7 और 10 दिया गया है,
तो ये भी बन जाएगी आसानी से। और ये क्या होगी, इसकी दो भुजाएं 7-7 सेंटीमीटर की हैं, तो ये सम द्विबाहु त्रिभुज बनेगी जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं। नेक्स्ट करेंगे 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। तो 8, 15 और 17, तो ये जब आप बनाओगे तो इसमें भी क्या होगा, आप ये वाली 15 ले लेंगे, ये वाली 8 ले लेंगे और ये वाली 17 होगी। तो ये भी क्या होगी, ये भी त्रिभुज बन सकती है और ये एक समकोण त्रिभुज होगी। ठीक है, आप बेशक इनको जोड़ के देखिए, ये त्रिभुज बन जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं 9, 11 और 17, तो इसमें भी 11 और 9 को जोड़ोगे वो 17 से ज्यादा है। 11 और 17 को यहाँ पर आप जो है जोड़ते हो तो वो भी जो है उससे ज्यादा रहेगा। तो इस तरह से ये त्रिभुज भी संभव है और तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो ये क्या होगी, ये विषमबाहु त्रिभुज बनेगी। नेक्स्ट देखिए 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, इसमें क्या होगा, ये नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती, आप देखिए 6 और 6 12 और कितना हो गया 13, 13 जो है वो 15 से कम रह गया। ठीक है ना, तो ये त्रिभुज संभव ही नहीं है, तो ये कोई भी त्रिभुज यहाँ पे नहीं बनेगी, तो हम इसमें नहीं लिख देंगे। लास्ट दिया गया है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये त्रिभुज जो है ये बन जाएगी और ये कैसी होगी, ये समबाहु त्रिभुज होगी, तीनों भुजाएं समान होंगी। नेक्स्ट है, अब जितने भी त्रिभुज आपने बनाए हैं उन सभी में माध्यिका तथा शीर्ष लंब खींचिए। तो बेटा अब आपने जो ये त्रिभुज बनाए हैं उसमें सभी में आपने माध्यिका और शीर्ष लंब खींचने हैं। ठीक है, तो जो भी त्रिभुज आपने बनाए हैं उसमें माध्यिका और शीर्ष लंब कैसे खींचेंगे, तो हम जो मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, आप उसी तरह से हर एक में माध्यिका और शीर्ष लंब खींच सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मान लीजिए ये हमारी एक त्रिभुज है जो हमने बनाई है। ठीक है, इसमें माध्यिका कैसे खींचेंगे, ए बी सी ये त्रिभुज है, इसमें माध्यिका आप इसको माप के देख लीजिए। ठीक है, कि ये कितना है, और बिल्कुल आधे पे एक इस तरह से आप एक लंब जो है वो इस तरह, लंब नहीं होगा ये, इस तरह से माध्यिका खींच देंगे बिल्कुल, जो इस सामने वाली जो हमारे पास रेखाखंड है इसको क्या कर देगा, इसको बिल्कुल दो बराबर भागों में आपको विभाजित करना है। तो ये क्या हो जाएगी, मान लीजिए ये P पॉइंट है, तो CP क्या हो जाएगी, CP माध्यिका हो जाएगी। अब इसके ऊपर हमें शीर्ष लंब भी खींचना है, तो शीर्ष लंब जो है ये, इसको हम अलग से कलर से दिखाएंगे, तो देखिए ये जो है बिल्कुल सीधा खींचना है, इसमें जो है जरूरी नहीं है कि ये दो बराबर भागों में बटे या ठीक ठीक है। तो ये जो है क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये Q है, तो Q क्या है, ये लंब है, तो CP माध्यिका हो जाएगी और CQ जो है ये क्या हो जाएगा, ये शीर्ष लंब हो जाएगा। क्लियर है, तो इसी तरह से सारी जो त्रिभुज हैं उनमें आपको माध्यिका और शीर्ष लंब जो है वो खींचना है। नेक्स्ट देखिए नंबर 4 दिया गया है आपको, सारणी द्वारा बताइए कि आपको कितने समकोण त्रिभुज प्राप्त हुए तथा इन समकोण त्रिभुजों के लिए पाइथागोरस गुण की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए इसमें हमें दो समकोण त्रिभुज मिले हैं ना, एक तो ये वाला मिलेगा, एक ये वाला मिलेगा जब आप बनाओगे, तो ये समकोण त्रिभुज को हमें जो पाइथागोरस गुण होता है वो हमें सत्यापित करना है। तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। यहां से देखेंगे, इसमें देखिए 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, तो हमें दो जो है छोटी भुजाओं का वर्ग जो है वो तीसरी बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए। यही हमारे क्या कहे, पाइथागोरस गुण कहता है। तो 6 सेंटीमीटर का वर्ग हो गया 36, 10 का हो गया 100 और 8 सेंटीमीटर का वर्ग कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर का वर्ग हो गया 64। तो 36 + 64 कितना हो गया 100, तो जो है ये क्या हो गया, ये सत्यापित हो गया कि ये पाइथागोरस गुण को जो है फॉलो करती है। नेक्स्ट देखिए नंबर 2, 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर, 8 का वर्ग हो गया 64, 15 का वर्ग हो गया 225, 17 का वर्ग हो गया 289, 64 + 225 हो गया 289। ठीक है, तो ये भी क्या कर लिया हमने, सत्यापित कर लिया। तो इस तरह से आप इसका आंसर कर देंगे। तो ये हो गई आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट फॉर क्लास 8, एंड आई होप इट आपको वर्कशीट क्लियर है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।